अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों बेटियों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर खैर से रखे और अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा। आज बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सा गजरेला, जो कि मैं बने 2 किलो दूध इसमें खुले बर्तन में रखा है ताकि उसको मिक्सिंग में बड़ा आसान रहे। 2 किलो दूध में 3 अदद इलायची डाली है और कुछ भी नहीं किया है, इसको मैंने बॉयल करने रख दिया है। इसके बॉयल होने का वेट करूंगी और उसके बाद डालेंगे सारी चीज़ें। तकरीबन बॉयल आने लगा है, मैंने फ्लेम को थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया है और इसमें 2 किलो दूध में, क्योंकि गाजर के अंदर भी स्वीटनेस होती है, इसलिए जो है एक प्याली जो है मैंने ये चीनी का लिया और ये मैं इसमें डाल दूँगी। और आधा कप जो चाय का नॉर्मल कप होता है, वो आधा कप मैंने चावल का लिया था, पहले से भिगाया था, फिर उसको धो के उसको पीस लिया था और सुखा लिया था इस तरीके से। और ये दरदरा सा है, बहुत बारीक पाउडर नहीं है, ये नॉर्मल सा है। आधा कप जो है चावल मैंने पहले भिगा दिए थे, फिर उनको ड्राई करके सुखा के उसको मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद ये इस फॉर्म में है, बिल्कुल मैंने बारीक कर लिया है इसको। और ये भी मैं हल्का हल्का चम्मच चलाती जाऊंगी और ये भी मैं डालती जाऊँगी। इसकी जो लम्स हैं वो ना बने, इसलिए चम्मच मुसलसल हिलाते रहने। बस ये पकेगा बहुत अच्छे से, इतना पकाना है कि अच्छे से गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद जो है 5 मिनट के बाद ही मैं सोच रही हूँ कि इसमें डाल देंगे गाजर, जो कि मैंने 2 अदद जो बड़ी नॉर्मल साइज की गाजर थी उसको मैंने इस तरह ग्रेट कर लिया था। ये देखें, इसी के से ग्रेट करके रख दिया था। ये पहले मैं इसको चावलों को पकने दूंगी, उसके बाद ये डालेंगे। चम्मच में सर से हिलाते जाना है। गजरे का मौसम अच्छा आया हुआ है, इंशाल्लाह ताला गाजर का मुरब्बा भी बनाएंगे, क्योंकि सीज़न के हिसाब से चीज़ें बनाते रहना चाहिए तो फिर फ़ायदेमंद भी होती है और खाने में भी आ जाती है। पक रहा है और इसको मज़ीद अभी पकाना है। 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और मैं अब इस पर गाजरे भी डाल रही हूँ। बस इनको बस आपने पकाना है बहुत अच्छे से, बस पकते रहेगा और इसकी शक्ल से बहुत दिख लेगी। धीमी आंच पे मैं फ्लेम करके छोड़ रही हूँ। पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और अभी ये जो इस तरह से घोटनी होती है, जिसे मदानी भी कुछ लोग कहते हैं, घोटनी भी कहते हैं, तो इससे बाकी साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा घोट लूँगी। चावल तो बारीक ही थे, लेकिन थोड़ी जो गाजर हमने डाली थी उसके लिए थोड़ी सी ज़रूरत है। इसी तरह से पकता रहेगा और हम थोड़ा बहुत इसको साथ साथ मतानी की मदद से इसको घोट लेंगे। इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। मौसम बहुत अच्छा है, मौसम के फ्रूट और मौसम की सब्ज़ियाँ ज़रूर खाया करें, वो आपके विटामिन सी होता है, उसके अलावा विटामिन डी होता है, आपके जो हड्डियों में दर्द रहता है या ये कमज़ोरी है, भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खाया जा रहा, बाल गिर रहे हैं और इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे दूर होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें बना के दी हैं चीज़ें भेजी हैं सर्दियों में कीनू, वो उसकी अपनी एक गज़ाइत है और उससे गज़ाइत से भरपूर चीज़ें हैं। और कोई नज़ला खांसी और ये सब नहीं होता, आप मौसम के फ्रूट्स खाएं। गाजर तो वैसे भी आपको पता है खून बनाती है, आपकी स्किन को अच्छा करती है, इसका मास्क भी बनता है बड़ा बहुत अच्छा, बहुत आपकी स्किन को ग्लो करता है, स्किन में जो आपके पिगमेंटेशन हैं उसको दूर करता है। मैं उसका मास्क भी इंशाल्लाह बनाऊंगी। ये इसी तरह से बस पकता रहेगा और हम थोड़ी देर तक इसको घोटते रहेंगे। थोड़ी देर हो गई है मुझे इसमें और गाजर को हमने बिल्कुल मेल्ट नहीं करना है, बारीक नहीं करना है, इतना हो के
हमें दिखे भी कि हम क्या बना के खा रहे हैं ये देखें। थोड़ी थोड़ी सी गाजर साबित है और थोड़ी सी हो गई है। अब इस टाइम पे मैं इसको हटा दूंगी और पकड़ दूंगी। मजीद इसको घोटेंगे नहीं, बस इसको पकने देंगे ताकि गाढ़ा हो जाए। ये अभी देखिए कितना थिक हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। कलर देखिए, गजरेला हमेशा थोड़ा सा पतला होता है। और इसमें मैं अब डालूंगी खोया, ये इस तरीके से तोड़ लूँ पहले मैं इसको। ये तकरीबन आधी प्याली खोया है जो मैं इसमें इस टाइम पे डाल रही हूँ। जब ये बिल्कुल ठीक हो गया, इसको अच्छे से हम मिक्सिंग करेंगे और थोड़ी देर में फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइए कमेंट्स में। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे पता चलता है कि मैंने कोई काम किया है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया है। अब देखें इस तरीके से मैं इसकी जो इसमें जो लम्स बन गए थे वो तोड़ दिए। और ये देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है इसका, ये देखें ये देखें। बहुत ज़्यादा लोग ठीक कर देते हैं तो वो इतना मज़े का नहीं लगता, क्योंकि ठंडा होने के बाद वैसे भी मज़ीद ठीक होता है। बस 5 मिनट मुझे और करने इसको और उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ करूँगी, डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमारा मज़ेदार गजरेला तैयार है और इसको निकालने लगे। अब इसे गार्निशिंग करेंगे हम। ये रोस्टेड मेरे पास कोकोनट है और ये देखिए सीखे से बारीक कटा हुआ है और बादाम, इससे हम इसको मिक्स करेंगे पहले और इसके बाद इसकी गार्निशिंग करेंगे। अपना और सबका ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनों के साथ हमेशा खुश खुर्रम रखे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।